हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम राजस्थान ओपन बोर्ड के कक्षा 10 हिंदी के पार्ट एक के नोट्स पढ़ेंगे। देखिएगा साथियों, राजस्थान ओपन बोर्ड की परीक्षा शुरू होने में बहुत ही कम समय बचा है। इस कम समय में आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को पढ़कर राजस्थान ओपन बोर्ड में अच्छे नंबरों से पास हो सकते हो। नहीं तो साथियों, पिछले साल बहुत सारे विद्यार्थी राजस्थान ओपन बोर्ड में फेल हुए थे, इस बार भी बहुत सारे विद्यार्थी फेल होंगे। यदि आपको फेल नहीं होना है तो आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को हमारे साथ साथ में पढ़ते जाइएगा। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहादुर कितने वर्ष के लड़के की कहानी है। यानी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि बहादुर कितने वर्ष के लड़के की कहानी है। यह प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है, बहादुर एक 12-13 वर्ष के लड़के की कहानी है। कितने वर्ष के लड़के की कहानी है? 12-13 वर्ष के लड़के की कहानी है। चलेगा, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, बहादुर कहानी के पात्रों की भाषा शैली से किसका पता चलता है। यानी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि बहादुर कहानी के पात्रों की भाषा शैली से किसका पता चलता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, बहादुर कहानी के पात्रों की भाषा शैली से उनके भाव, परिस्थिति और व्यक्तित्व का पता चलता है। चलेगा, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, बहादुर कहानी की कथा वस्तु कौन से परिवार की है। यानी जो आपके बहादुर कहानी की जो कथा वस्तु है वो कौन से परिवार की है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, बहादुर कहानी की कथा वस्तु मध्यम वर्गीय परिवार की है। कौन से परिवार की है? मध्यम वर्गीय परिवार की है। अब देखिएगा साथियों, अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको और सब्जेक्ट के यहाँ पे हम जैसे ही नोट्स अपलोड करेंगे उसकी जानकारी आपको समय पर मिल जाएगी। नहीं तो साथियों, यहाँ पे हम सभी विषयों के नोट्स अपलोड कर देंगे और आपकी परीक्षा भी हो जाएगी, लेकिन आपको समय पर नोट्स मिलेंगे ही नहीं, इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिएगा, बढ़ते हैं अगले चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है, यह वाक्य किसने कहा है। यह भी प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है, यह वाक्य बहादुर ने कहा था। यह वाक्य किसने कहा था? बहादुर ने कहा था। तो चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके पांचवा प्रश्न है, बहादुर कैसा लड़का था। यानी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि बहादुर कैसा लड़का था। तो इस प्रश्न का उत्तर है, बहादुर संवेदनशील, ईमानदार, मेहनती और हंसमुख लड़का था। आई बात आपको समझ में? तो चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले एक बात बता दूं, देखिएगा साथियों, हमारे कोचिंग के इन नोट्स को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके किस प्रकार से पढ़ सकते हो, चलेगा मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताता हूं। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल लेना है और उसके बाद में मोबाइल का लॉक ओपन कर देना है। तो इस प्रकार से मैंने मोबाइल का लॉक ओपन कर दिया है। उसके बाद में आपको अपने मोबाइल में गूगल पर जाना है और गूगल पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहां पे आपको लिखना है MOST, उसके बाद स्पेस EXAM, इस प्रकार से आपको मोस्ट एग्जाम लिखना है। और उसके बाद में नीचे जो आपके सर्च का बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, इसके ऊपर भी आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आप थोड़ा नीचे आइएगा, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड जयपुर, और उसके बाद में यहाँ पे जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने राजस्थान ओपन बोर्ड की सभी जानकारी आ जाएगी। यहाँ पे आपको राजस्थान ओपन बोर्ड के कक्षा 10 के सभी नोट्स देखने हैं, तो इसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने राजस्थान ओपन बोर्ड के कक्षा 10 हिंदी के सभी पाठों के यहाँ पे नोट्स खुलेंगे। आपको पहले पाठ के नोट्स देखने हैं तो उसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से राजस्थान ओपन बोर्ड के कक्षा 10 हिंदी के पहले पाठ के नोट्स खुल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे सभी विषयों के नोट्स देख सकते हो। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा छठा प्रश्न है, बहादुर कहानी में कौन सी विधा का उपयोग किया गया है। ये प्रश्न भी पिछले साल आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, बहादुर कहानी में रेखाचित्र विधि का उपयोग किया गया है। कौन सी विधा का उपयोग किया गया है? रेखाचित्र विधा का उपयोग किया गया है। चलेगा, बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है, माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है, बहादुर के इस कथन से क्या पता चलता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है, बहादुर के इस कथन से बहादुर का अपने माँ बाप के प्रति अपने कर्तव्य भाव का पता चलता है।
चलेगा बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न है, बहादुर एक संवेदनशील लड़का है, इस बात का पता कब चलता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, बहादुर एक संवेदनशील लड़का है, इस बात का पता तब चलता है जब किशोर उसे पीटता है तो वह सहन कर देता है, लेकिन जब उसे पिता पर गाली देता है तब बहादुर काम करना बंद कर देता है। आई बात आपको समझ में? तो देखिएगा साथियों, आपके पहले पाठ के सिर्फ आपके इतने ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे, इन प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और अगले पाठ के प्रश्न देखने के लिए साइड में जो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आप दूसरे पाठ के प्रश्न देख सकते हो। और साथियों, अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।